तो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आपकी क्वेश्चन से, जो कि है कंडीशनल कलर वाली चार्ट्स की। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास नेम है और यहां पे मेरे पास सेल्स है, ठीक है, और यहां पे मैंने अपने अपने जो है कलर का ये डाल रखा है, हमने यहां डाल रखा है। अब मुझे इसको जो है चार्ट बनाना है, लेकिन चार्ट में हम तीन तरह के कलर चाहते हैं। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करके हमने यहां पे चार्ट क्रिएट किया, तो हम चाहते हैं कि जो 50 to 80 है उसका अलग कलर हो, ग्रेटर देन 80 का अलग कलर हो, लेस देन 40 का अलग कलर हो। मतलब कि हमारा सीरीज एक ही है बट हम चार्ट का अलग अलग कलर चाहते हैं, अलग चीजें चाहते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे लेस देन 40 to 80 और ग्रेटर देन 80, हमने तीन कंडीशन लगाया है। और यहां पे मुझे इफ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि इफ अगर ए लेस देन 40 है तो इस नंबर को शो करो, अदरवाइज ब्लैंक शो करो। उसके बाद इसमें हमने इफ बिटवीन है इसलिए यहां पे एंड देंगे, हमने बोला एंड अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 40 और अगेन लेस देन इक्वल टू 80 है तो इसको शो करें, अदर
नहीं ने जो चार्ट लिया है ए वाली चार्ट है, समझे? सेकंड वाली स्टैक चार्ट। हाँ ये स्टैक चार्ट है सर। स्टैक चार्ट में इसने 100% लिया होगा ताकि वो उसी हिसाब से ऊपर नीचे का रेंज बना, नीचे वाला कुछ नहीं कर दिया है। तो दो चार्ट को मिक्सअप किया है सर, तो मैं चार्ट को सही से देख नहीं पा रहा हूँ। मैं देखूंगा तब बता पाऊंगा कि चार्ट किस तरह से बना है। ओके मैं एक बार लगाया चार्ट, मैं फिर खोला फाइल, एक मिनट रुक जाइए, राइट क्लिक, सेलेक्ट डेटा, ये जो ग्रेटर देन 80 है इसको एडिट करता हूँ। चलो ये तो सही है, तो बेंच जो है यहाँ पे एडिट में हम इसको लेते हैं सर। इसको मूव अप करते हैं, ऐड इसको सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद एडिट इसको लिया, एक नहीं ये सही है, सही है। ऐड पे क्लिक करता हूँ 40-80 एंड हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं 40-80 वाले को, देन ओके, देन ओके। अभी चार्ट को हटा दीजिए।